उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजधानी लखनऊ स्थित माल एवेन्यू में आयोजित यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की जयंती समारोह में शामिल हुए, जहां सीएम योगी ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और नमन किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री संदीप सिंह, मेयर सुषमा खरगवाल समेत बीजेपी के कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि श्री राम मंदिर आंदोलन के अग्रदूत राजस्थान के पूर्व राज्यपाल व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण श्रद्धेय कल्याण सिंह बाबूजी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने आगे लिखा कि समाज और राष्ट्र के निस्वार्थ सेवा के लिए श्रद्धेय बाबूजी हमेशा याद किए जाएंगे। बता दें कि यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरे माने जाते हैं, साथ ही वह दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। पूर्व सीएम कल्याण सिंह ने कभी भी पद पर बने रहने के लिए उसूलों से समझौता नहीं किया। उनका इंटर कॉलेज के टीचर से लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल बनने तक का सफर काफी ज्यादा कांटों भरा रहा। बता दें कि जब बीजेपी का गठन हुआ तो कल्याण सिंह प्रदेश संगठन में पदाधिकारी बनाए गए। इसके बाद उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में जान फूंकनी शुरू की। वहीं साल 1991 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यूपी में सरकार बनाई और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनाए गए। ऐसे में राम भक्तों में वह राम मंदिर के लिए बड़ी आस बनकर उभरे। इस दौरान युवाओं ने एक नारा दिया, कल्याण सिंह कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो, जिसकी गूंज पूरे यूपी में सुनाई देने लगी। वहीं साल 1992 में कल्याण के मुख्यमंत्री रहते ही कार सेवकों ने विवादित बावरी ढांचा गिरा दिया। बताया जाता है कि जब विवादित बावरी ढांचा गिराया जा रहा था तो राज्य के तत्कालीन बीजेपी सीएम कल्याण सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान कल्याण सिंह ने उन्हें कार सेवकों पर लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करने के आदेश दिए, लेकिन फायरिंग करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। वहीं डीजीपी की ओर से जब तक कोई एक्शन लिया जाता तब तक बावरी ढांचा गिराया जा चुका था। इसके बाद कल्याण सिंह ने बड़े गर्व से पूरी घटना की जिम्मेदारी ली और राम मंदिर आंदोलन के लिए अपनी पूर्ण बहुमत वाली सरकार कुर्बान करते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि बावरी विध्वंस के बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं यूपी का सीएम था, जो हुआ उसकी मैं पूरी तरह जिम्मेदारी लेता हूँ। ढांचा गिर गया तो मैंने उसकी कीमत चुकाई, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अभी और क्या कोई हमारी जान लेगा, राम मंदिर बनाने की खातिर एक क्या 10 बार सरकार कुर्बान करनी पड़ेगी तो करेंगे।